लिए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हुड हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू, शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता, सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की शहर के एक निजी होटल में नीम सिलेक्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में व्हाइट कोट सह दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में भारत के कई राज्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर शामिल हुए, जो नीम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉलेज के ही छात्र छात्राएं हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज उर्फ डॉक्टर नास ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी डायरेक्टर सिवान उपेंद्र कुमार यादव, समाजसेवी श्रीनिवास यादव, ZA यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वकार अहमद, डॉक्टर ख्वाजा एहतिशाम मोहम्मद, जदयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर लोकनाथ सिंह, IGC के मेंबर डॉक्टर SR पंडित, प्रोफेसर संदीप कुमार यादव, डॉक्टर मोहम्मद इजहार अली, सब्बर इमाम, अधिवक्ता मधुकर मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर तथेरा बास समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर नास द्वारा सभी उत्तीर्ण छात्रों को मेडल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्था प्रमुख डॉक्टर नास ने कहा कि नीम्स ने हमेशा से उन सभी छात्रों को सम्मानित करने का काम किया है। दीक्षांत समारोह में निदेशक के वक्तव्य में ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया कि संस्था का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को एक प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्था के रूप में स्थापित करना है। निदेशक ने इस पद्धति की मान्यता के संबंध में बताया कि सरकार किसी भी समय इसे मान्यता देने का निर्णय ले सकती है और वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लाखों चिकित्सकों की आवश्यकता है और सरकार से अपील है कि वो समय न गवाए और इस चिकित्सा पद्धति को शीघ्र मान्यता प्रदान करे। ये बयान इस दिशा में आशा व्यक्त करता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कानूनी मान्यता मिल सकती है, जिससे इसके प्रचार और अभ्यास में तेजी आएगी। दीक्षा समारोह में विशिष्ट अतिथि डिप्टी निदेशक सिवान ने अपने उद्घाटन संबोधन में समाज में चिकित्सकों के निर्माण में संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे संस्थान इस दिशा में अहम योगदान निभा रहे हैं, जहां आज सैकड़ों युवा चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी श्रीनिवास यादव ने उन सभी छात्रों को बधाई दी, जिन्हें कड़ी मेहनत और सफलता के लिए सम्मानित किया गया। उनका ये वक्तव्य चिकित्सा शिक्षा के महत्व को उजागर करता है और संस्थानों की भूमिका को सराहता है, जो युवाओं को समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज डॉक्टर नाज कौन 24 जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की 4 वर्षीय जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलता है, जिसके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के सेशन समाप्ति के बाद हम बच्चों को सबको गाउन के साथ सम्मान करते हैं और यहाँ से उनकी विदाई देते हैं। इसी कार्यक्रम का मुख्य ये कार्यक्रम है और साथ ही हम उन बच्चों का इस्तकबाल करते हैं जो बच्चे नए अपने चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना चाह रहे होते हैं या करियर बना रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हम ये समझे कि ये जो गाउन समारोह है, ये पूरी तरह से नीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई किया, जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण